अमरीकी सदारत का ताज किसके सर सजेगा, कौन बनेगा व्हाइट हाउस का मकीन, फैसले की घड़ी में चंद घंटे बाकी, इंतखाबी मुहिम खत्म, हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमरीकी इलेक्शन में भी करप्शन का शोर, ट्रंप ने हिलरी को करप्ट करार दे दिया, हिलरी के भी इंतखाबी रैलियों में ट्रंप पर जवाबी वार, ओबामा कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कमांडर इन चीफ बनने के अहल नहीं। इंतखाबी पोल्स में हिलरी का पलड़ा भारी, अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी भी पुरजोश, 15 लाख से जायद मुसलमानों का वोट फैसला कुन होगा। यहाँ पर अभी रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड जे ट्रंप ने यहाँ पर खिताब किया है, इस मौके पर राले की एक बहुत बड़ी आवाम यहाँ पर मौजूद थी। हमारे नुमाइंदे आपको पल पल की लम्हा की इलेक्शन के हवाले से, खबरों के हवाले से आगाह कर रहे हैं। में जो पाकिस्तानी मुकीम है वो क्या राय रखते हैं इस इलेक्शन के बारे में? हिलरी है जिसका बड़ा डिसेंट बिहेवियर है और भी गहमा गहमी देखने में आ रही है 8 नवंबर के हवाले। नेटवर्क की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है जिसमें इस 24 न्यूज़ अमेरिका में सदारती इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ 24 न्यूज पर, नाज़रीन के लिए हर जगह से पल पल की खबर सबसे पहले। रॉक नेटवर्क चलाने वाले तीन भारतीय सिफारतकारों अनुराग सिंह, पीके वर्मा और मधुन को नापसंदीदा करार देकर वापस भेज दिया गया, 5 एजेंट कल भारत रवाना होंगे। 24 न्यूज की खबर पर एक्शन, चेयरमैन सीडीए का जाली इंक्वायरी रिपोर्ट देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, अफसरों ने रेगुलर मुलाजमीन को बचाने के लिए डेली वेजेस मुलाजमीन के खिलाफ गलत इंक्वायरी की थी। प्लांटर स्टोरी की तहकीकात के लिए रिटायर्ड जज आमिर रजा खान की सरबराही में कमेटी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, तकर्री पर तहरीके इंसाफ के भी तहफुजात। वज़ीर-ए-आला सिंध के हुक्म पर मलीर 15 से गिरफ्तार होने वाले 13 से जायद अफराद रिहा, इलाके में सूरत हाल मामूल पर आ गई। और एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की परवेज मुशर्रफ से मुलाकात, फारूक सत्तार का अहम पैगाम पहुंचाया, कराची की सियासत में परवेज मुशर्रफ के किरदार पर बातचीत।